कोई नियति ऐसी है जो मुझे प्रेरित करती है, कोई मेरे भीतर बैठा कर्म है जो मुझे ऐसा प्रेरित करता है, तो कर सकता है प्रेरित, लेकिन मैं उसकी मानूं या ना मानूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो मुझे मुश्किल में डाल सकता है, अगर वो असहायता का उदय है तो मुझे मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन मुझे उस मुश्किल के दौरान विषाद करना है या नहीं करना है, संक्लेशित होना है या नहीं होना है, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बात तो कुछ ठीक नहीं जमती, अपने को लगता तो ऐसे ही है, पूरी जिंदगी निकल गई ऐसे ही, और अपने पास ढेर सारे उदाहरण है, हम भी देना चाहें तो उदाहरण दे सकते कि कोई के कर्मों को फल न भोगने पड़ो हो, चाहे राम राजा रामचंद्र जी हों और चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। सो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई कर्मों का फल हंस के भोगता है, कोई रो के भोगता, और कोई शांति से भोगता और कोई घबराहट में भोगता, इतना ही है। भगवान ऋषभ देव के भी 6 महीने कर्म का उदय रहा और उनको अंतराय रहा, लेकिन उन्होंने उस अंतराय को कैसे भोगा ये देखने की बात है, महत्वपूर्ण ये है। उनके 6 महीने कर्म का उदय रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो किसी के भी रह सकता है, लेकिन उससे उन्होंने कैसे भोगा, शांति से समता भाव से भोगा, ये चतुराई हमें सीखना पड़ेगी। अब देखें कि हम कर्मों को जीत सकते हैं क्या। कर्मों को जीतने के 3 उपाय हैं। पहला तो ये है कि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी सामंजस्य बन सके बना लेना चाहिए। पहली चीज कहीं नोट करके रख लीजिएगा मन में, बाहरी वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना। कर्मों के उदय में यह स्थिति गड़बड़ा जाती है, सामंजस्य नहीं रह पाता, या तो बहुत हर्षित हो जाते हैं या कि विषाद कर लेते हैं, दोनों ही चीजें हो जाती, दोनों ही सामंजस्य नहीं है। सद्भाव और अभाव दोनों स्थितियों में सामंजस्य बना करके रखना। और दूसरी चीज, प्रतिक्रिया ना करें ऐसी कोशिश करना, करनी पड़े तो कम से कम प्रतिक्रिया करें, और यदि प्रतिक्रिया करें भी तो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया ना हो। दूसरी चीज, या तो प्रतिक्रिया ना करें और अगर होती भी है तो अल्प करें, और उसमें भी ध्यान रखें कि वो प्रतिक्रिया रचनात्मक हो। और तीसरी चीज, संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि संसार में यही चलता रहता है। ये 3 ही चीजें हैं जिन पर हम विचार करें तो इससे हमारे कर्मों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं, वर्तमान के कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं।